और लखनऊ जीपीओ में आज उत्तर प्रदेश परिमंडल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल प्रणव कुमार ने डिजिटल कतार प्रबंधन प्रणाली, डाक निर्यात केंद्र और आधार केंद्र के नए काउंटर सेवाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यालय परिषद लखनऊ के पोस्ट मास्टर जनरल सुनील कुमार राय, डाक सेवाएं मुख्यालय के निदेशक आनंद कुमार सिंह और डाक एवं व्यवसाय वर्धन एवं उत्तर प्रदेश परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल अशोक कुमार यादव मौजूद थे। इस अवसर पर प्रणव कुमार ने बताया कि डाक निर्यात केंद्र के माध्यम से स्थानीय निर्यातक कस्टम क्लीयरेंस, जीएसटी जैसी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 200 से अधिक देशों के लिए डाक सेवा के द्वारा अपने उत्पाद भेज सकेंगे। इसके साथ ही मे आई हेल्प यू डेस्क की व्यवस्था से ग्राहकों में किसी भी समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए भी अवसर उन्हें मिलेगा। डिटेल इंटीकेसीज हमसे पहले पीएमबीडी और पीएमबी लखनऊ ने बता चुके हैं आप लोगों को क्या इसकी डिटेल्स है और इधर कुछ फैसिलिटी भी है, वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट है प्लस फ्री पिकअप फैसिलिटी है, पीवी की फैसिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए वो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो आइडिया था जो लोकल आर्टिसियंस या फिर एमएसएमई या लोकल जो भी एक्सपोर्टर स्मॉल एक्सपोर्टर्स थे उनको इसका बेनिफिट मिले। डाक निर्यात केंद्र जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आपके सामने इसका उद्घाटन अभी अभी सर ने किया है। तो बेसिकली इसकी अवधारणा 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2023 में इसकी नींव रखी और इसके पीछे जो उद्देश्य था हमारा जो मुख्य कारण था डाक निर्यात केंद्र को लेकर के आने का डाक विभाग के माध्यम से वो ये था कि जो छोटे व्यापारी हैं या जो मध्यम दर्जे के व्यापारी हैं वो अपने उत्पाद को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा पाए, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका उत्पाद पहुंचे और उसका आर्थिक रूप से लाभ उनको भी मिले, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डाक निर्यात केंद्र के स्थापना की अवधारणा सामने लेकर के आई है। आज का कार्यक्रम डाक निर्यात केंद्र के उद्घाटन के संदर्भ में था और इसके साथ ही माननीय चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने स्मार्ट और आधार की सेवाओं को विस्तारित करते हुए उसमें एक अतिरिक्त जो है काउंटर का उद्घाटन किया। जहां तक डाक निर्यात केंद्र की बात है तो मेरे कुलीग सुनील ने ऑलरेडी उसकी विशेषताओं को बता दिया है।